देखिए दुर्गा पूजा पंडाल की तो धूम आपने देख ली, अलग अलग थीम पर पंडाल तैयार किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें क्या हैं वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है देखना। मनीषा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, सबसे पहले तो बताएं कि आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आज के दिन आप देख पा रही हैं। गुंजर, मैं इस वक्त दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालन मंदिर में मौजूद हूं और नौ दुर्गे के नौ स्वरूपों की जो है नवरात्रों में पूजा की जाती है। हर एक दिन किसी न किसी माँ के स्वरूप को समर्पित है और आज माँ कात्यायनी देवी की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर को अगर मैं आपको एक बार अंदर से दिखाना चाहूँ तो भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार जारी है। सुबह 4 बजे मंदिर में सुबह के टाइम जो आरती शुरू हुई तभी से इसी तरीके की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। चूंकि आज वर्किंग डे है तो भीड़ थोड़ी सी बाकी दिन के मुकाबले जो है वो कम नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे भीड़ जो है वो बढ़ती जाएगी। हमारे साथ पंडित जी गिरीश जी मौजूद है। आज माँ का दिन है, माँ कात्यायनी देवी का दिन है, माँ को किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जाए, कैसे? जय माता दी। शारदीय नवरात्र का आज पंचम दिवस है। स्कंद माता का स्वरूप आज झंडे वाली माता का जो है पूजा अर्चना की गई है। आज के दिन जो भक्त जो है अपने जो है शत्रु पे जो है विजय पाने के लिए इनकी पूजा और अर्चना कर सकता है, उससे जो है उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। माँ की अगर मैं महिमा की बात करूँ तो वो बताइए कि क्या है माँ की महिमा? देखो, माँ की महिमा अपरंपार है, इसकी महिमा कोई नहीं जान सकता है। मगर ये है कि प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। इस प्रकार से नौ देवियों ने अपने अपने स्वरूप यहाँ पे दिए गए हैं और उन्हें जो है कार्तिक के जो है माता भी इनको जो है कहा गया है स्कंद माता। इसलिए जो है जहाँ भी जो है ये सेनापति रहे हैं, जब भी कोई युद्ध में जाता है तो अपना जो है सेनापति रखता है, तो इसलिए जो है कार्तिक को सेनापति रखा गया है, तो इनका नाम जो है स्कंद माता पड़ा। पंडित जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कहने को नवरात्र का आज छठा दिन है लेकिन माँ स्कंद माता की जो है वो पूजा उपासना की जा रही है। देखो, ऐसा है कि यहाँ पे जो तिथियों का जो है हेर फेर है, यहाँ पर तिथियाँ जो बढ़ गई हैं, इसलिए जो है तृतीय जो तिथि थी वो जो है बढ़ गई है, इसलिए तीसरा जो नवरात्र था वो 2 दिन हो गया, तो आप छठा नवरात्र हो गया। तो उसमें माँ को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का भोग लगाए, कैसे वस्त्र पहने? आज के दिनों कमल की जो है माला अत्यंत जो है मतलब उनको पसंद है और उनको जो है कमल की माला भी आप चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, कमल का फूल भी उनको चढ़ा सकते हैं और वो उसी के आसन में आज विराजमान है, इसलिए जो है वो प्रसन्न रहती है। तो गुंजन, आज कहने को नवरात्र का छठा दिन है, माँ कात्यायनी देवी की जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन दो बारी जो दूसरा दिन था वो तिथि 2 बारी पड़ी, उसके हिसाब से जो है आज पंचवे रूप की जो है वो स्वरूप की जो है पूजा अर्चना की जा रही जो माता स्कंद देवी जी का है। और मंदिर की परिसर की बात करूं तो लगातार जो है वो भीड़ है इस वक्त मंदिर में और धीरे धीरे जो है मंदिर में इसी तरीके की भीड़ नजर आएगी। बाकी की मंदिरों की भी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हूबहू इसी तरीके का नजारा है। नौ दुर्गे का रूप, नौ स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है नवरात्रों के समय में और इसी तरीके की जो हलचल है वो हर मंदिर में जो है वो नजर आती है। कहने को मन में एकदम भाव है लोगों के, यहाँ पे हर कोई जो है बस अपने घर में सुख शांति समृद्धि की जो है मांग, मतलब भगवान से जो है वो विनती मांग रहे कि बस उनके घर में जो है सुख शांति बनी रहे और इसी भाव के साथ हर कोई आज माँ के दर्शन पाने आ रहा है। बिल्कुल, हर कोई माँ के दर्शन करना चाहता है। मनीषा, झंडे वालन मंदिर अपने आप में बहुत मशहूर मंदिर है दिल्ली का, कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। क्या मान्यता है झंडे वालन मंदिर की, लोग क्या मनोकामना लेकर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माँ इन 9 दिनों में हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भक्तों से ही बात करूंगी। कितने समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं? काफी समय से आते हैं। समय से आ रहे हैं। माँ ने कितनी आपकी मान्यताएं जो है मतलब पूरी कर दी? माँ करती है सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। मंदिर की क्या मान्यता है पता है आपको इस बारे में? जी मुझे। क्यों इस मंदिर में आ रहे हो आप? बस इस हमें इतना पता है कि दर्शन करने आते हैं, माता रानी सबकी श्रद्धा पूरी करती है। माता रानी जो है, माता अम्मा जी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं काफी सालों से आ रही हूँ, बहुत काफी सालों हो गए।